अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। दोस्तों हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दोस्तों। अभी ये अपने बटेरों को मैंने दाना डाला हुआ दोस्तों, और उसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी डब थी इनको मैंने एक ही केज में बंद कर दिया दोस्तों। इसलिए बंद किया इनको क्योंकि ऊपर जो है ज़ेब्रा फिंचेस ने अंडे दिए हैं, तो यार ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इस वजह से मैंने बंद कर दिए। तो आप ज़ेब्रा फिंचेस के नेट में अंडे भी दिखाते हैं और नेस्ट भी काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ, पता नहीं क्यों। ये देखें हमारी डायमंड अब एक ही रह चुकी है दोस्तों। जी दोस्तों माशाल्लाह से इस घोंसले में अंडे पड़े हुए हैं, और ये हमारा वाइट वाली फीमेल है और ये दूसरे कलर का मेल है। किधर गया? हाँ ये मेल ही है। तो इन्होंने अंडे दिए हुए दोस्तों, और इधर से मैंने वो जो टहनी सी लगाई हुई थी वो भी हटा दी है और इनको भी बंद कर दिया है। देखें इनका घोंसला कितना ऊंचा था और अब इस तरह फुस हो गया हुआ। ये बटेरे मेरे से नहीं डरते दोस्तों, ये मेरे पैरों के साथ साथ ही रहते हैं। अभी देखिए वो मैं सफाई करके सारा जो है दाने का और ये सारा कुछ मैंने कोने में किया है। अभी उधर वो खेलना कूदना शुरू हो गया। आज दोस्तों अपनी मुर्गियों को मैंने सबसे पहले दाना डाला है क्योंकि काफी देर इन्होंने वेट किया, काफी दिन कह रहा हूं मैं तो माशाल्लाह से। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात अपने दोस्तों को बताता चल कि पीछे जो मुर्गी आप देख रहे हैं जो मैं तकरीबन 3 से 4 दिन पहले लेके आया हूँ, मैं खुद किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके बच्चों के लिए लेके आया हूँ कि यार ये मुझे दे, खूबसूरत है, इसके बच्चे निकलवाएंगे। तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये मुझे दे दे, तो उनको मैंने यही कहा था कि यार ये किसी की है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। हालांकि उस टाइम उन्होंने यही कहा यार तू फिल्में डाल रहा है। अभी दोस्तों अपने सारे पिजन्स को मैंने खोल दिया, कोई एक भी अंदर नहीं है बच्चों को छोड़ के, और उसके अलावा चोई साहब को भी साथ खोला हुआ है। ये देखें ये दोनों मियाँ बीवी कबूतरों के साथ ही इत्तेफाक के साथ दाना चुग लेते हैं। बाकी दूसरे वाले असीन कबूतरों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं दोस्तों। और उसके अलावा आज वीडियो काफ़ी लेट बन रही है। वीडियो लेट बनने की एक वजह मोहम्मद इब्राहिम भी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वो बीमार है हफ्ते वाले दिन से, तो इस वजह से बीच में होता तो ये है कि वीडियोज़ जो हैं एक दिन या दो दिन पहले की बनी हुई होती हैं, लेकिन हफ्ते एतवार से अभी तक ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। काफ़ी सारा मसला बना हुआ था उस बेचारे को, काफ़ी टेम्परेचर लो था और रात के टाइम तो बुखार उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी की टेंशन में आज भी हम डॉक्टर के पास ही बैठे रहे काफ़ी देर, और अभी असर के बाद घर वापस आए। तो दुआ कीजिएगा जी दोस्तों मोहम्मद इब्राहिम बिल्कुल ठीक हो जाए। आप दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है, लाजमी कीजिएगा। सो दो अंडे ये पड़े हुए हैं और यही है फिलहाल, तो दो हमारे बच्चे ये बैठे हुए हैं। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक है। एक बच्चा हमारा इधर है, ये भी ठीक है, और एक अंडा किसी ने थोड़ी देर पहले दिया बेचारे ने, बड़ी मुश्किल से दिया लग रहा मुझे अंडे की कंडीशन देख के। अरे ये देखिए अंडे की कंडीशन देख के लग रहा है कि काफी मुश्किल से दिया गया हुआ अंडा। तो इनके लिए इधर क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल नहीं है, इधर के लिए वो पिरचे पड़ी हुई है मेरे पास मिट्टी वाली, वो लेके आते हैं। चलें जी दोस्तों इसको मैंने पिरच में रख दिया है। तो शिराजी वाले जो दो अंडे हैं वो भी मैंने प्लेट में रख दिए हैं, तो क्योंकि ये बिल्कुल कोने पे थे और यार बड़ा मसला मसाइल होता है, इसलिए मैंने उस कोने पे कर दिए ताकि हिले झुले नहीं है। बाकी की एक प्लेट दोस्तों मैंने इधर रख दी है ताकि किसी डब वगैरह ने अंडे वगैरह देने हैं तो वो भी इधर दे, और ऊपर से सारा मैदान अब इन खाली फिंचेस के लिए मैंने खाली कर दिया है। ये देखें ये ऊपर ही बैठा हुआ। और दोस्तों उसके अलावा हमारे बटेर माशाल्लाह काफी खुश है, खाली खुश ही है, अंडे खंडे नहीं दिए इन्होंने अभी तक, एक ही दिया वो भी मैंने रखा हुआ संभाल। और गुड न्यूज ये है दोस्तों इंशाल्लाह अनकरीब हमारे सेटअप पे बहुत एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज आने वाला है। आप में से काफी दोस्त उस सरप्राइज को काफी पसंद करेंगे। एक तो मस्कती चकोर का वो सरप्राइज नहीं है, वो इंशाल्लाह आज रात को भाई वीडियो अपलोड करेंगे, तो फिर कल या परसों मैं आप दोस्तों से पूछूंगा। उ कबूतर आया दोस्तों, बड़े लेवल का कबूतर आया। इधर से हम इधर हो जाते हैं, बल्कि अपने एक दो कबूतर ऊपर नीचे फेंकते हैं ना। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है। एक बहुत ही खूबसूरत कबूतर आया हुआ,
सामने यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैम मुझे नजर आ रहा है और मैंने अपने कबूतर खोले हुए इन्हीं को देख रहा है, इसी तरह देख रहा। इधर अगर आता है तो आपको दिखाते हैं कि कैसा कबूतर है। ये नौ मेरे पे से कोई उठ के गया वो, क्योंकि एक दो मेलों के मैंने पर खोले और ये मेहमान पिजन भी नहीं है, ये कोई नया पिजन है। तो इतनी देर इसने लगा दी और अभी तक इस कोने में आया है और है भी सामने वाले छत पे। जब हमारे छत पे आएगा इसको पकड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ खिड़की में। दोस्तों इतनी देर कबूतर का इंतजार कर करके वो तो नहीं आया, छोड़े उसको परे नहीं आया। तो देखिए हमारा सुल्तान घूम रहा है आजाद फिजाओं में, आजाद कर दिया था उसको, इसलिए बता रहा हूँ। जो अपने कबूतर हैं दोस्तों इन्हीं पे फोकस करते हैं। वो देखें, अब वो देखें, उसको मैं इसीलिए लेदर रखता हूँ, वो उस छोटे पिजन का हक खाता है। ये देखा, इतना बड़ा होके माँ के साथ जो है ज़बरदस्ती दाना खा रहा है। दोस्तों अभी की वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।